Hello everyone. Today, our team Catalyst, we are here to review the web series Chudails. So Sajal, I'm a little intrigued. Why Chudails, the title? Why? It's a very interesting title to me actually. Because Chudail jo hai, wo ek derogatory term hai jo ki aurat ki beizzati karne ke liye istemal karte hain. To aurat jab tak zoom sehti rahe, wo aurat rehti hai. Aur jab apne haq ke liye awaaz utha le, तो वो चुड़ैल बन जाती है सीरीज में. That's true. For me, Chudails was a very wholesome, entertaining experience, and I loved it from the start to the finish. I liked the way the characters were developed, the way they were defined. अगर वो ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, ऐसी आवाज में बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं. वो पूरा कैटेगोरिकली डिफाइन किया गया. स्टोरी का ताना बाना बहुत खूबसूरती से बुना गया ताकि आपको पता चले स्टोरी कैसे कैसे डेवलप हो रही है. एंड इट कीप्स यू इन्वेस्टेड इन द शो, एंड दैट्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटरटेनमेंट. और फिर आगे चल के स्टोरी कैसे डेवलप होती है, कौन से नए मोड़ लेती है, नए सवालों को जन्म देती है, और हमें उन सवालों का जवाब हासिल करते करते हम एक ऐसे क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं दैट लीव्स यू लाइक स्पेल बाउंड, लाइक वाओ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. दैट्स व्हाट चुड़ैल्स डिड फॉर मी. आई थिंक ब्रिलियंटली डन एंड डायरेक्टेड. और एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई चुड़ैल्स में वो ये थी कि उन्होंने दिखाया कि जो मर्द पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, जो लोअर क्लासेस को बिलोंग करते हैं, वो औरतों के हक में ज्यादा खड़े हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, बरक्स उन मर्दों के जो कि आला से आला तालीम हासिल करते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, हर तरह के रिसोर्सेज हैं, जिनको हम सो कॉल्ड ओपन माइंडेड कहते हैं, वो औरतों के हक में औरतों को कुछ नहीं समझते, और उनके बरक्स जो एक आम बैकग्राउंड का जो बंदा है वो औरतों के हक में खड़ा होता है. सो दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग सार्कास्टिक स्पिन दैट आसिम अब्बासी प्रेजेंटेड एंड आई जस्ट लव्ड इट. एम्पैथी उनमें ज्यादा दिखाई गई. तो ओवरऑल फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव आई लव्ड चुड़ैल्स. It is quite ironic though, if you look at it. It is. So what do you guys think? Yaar, तुमने जो कहा 100% मैं इसे एग्री करती हूँ. मेरे लिए भी इट्स लाइक 10/10. इट वॉज सच एन एक्सपीरियंस फॉर मी. आई वॉज कम्प्लीटली सोल्ड. इसमें आसिम अब्बास हमें इस ऐसे रियल में ले जाता है जहाँ पे वो ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, ऐसी क्लोदिंग, ऐसे कॉस्ट्यूम्स, ऐसी लाइट्स, और मतलब लिटरली द फिक्शन दैट ही क्रिएट्स, आई एम कम्प्लीटली सोल्ड. मुझे वो एक पीस ऑफ आर्ट लगा, मैंने इंजॉय किया, मैंने क्रिंज किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं देखनी, नहीं मैं नहीं देख सकती. फिर मेरे दिल के नहीं, उसके बाद हुआ क्या? सो वो जो एक्साइटमेंट का एलिमेंट है ना, इट वॉज टोटली इंटैक्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लिप टू टिल द एंड. सो दैट्स 10/10, रियली गुड, टू थम्स अप. फैंटास्टिक. व्हाट डू यू थिंक सचिन? मेरे लिए तो आई एग्री विद बोथ ऑफ यू. आई रियली लव्ड इट. ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट स्टोरी लाइन, ऑल द डिफरेंट स्टोरी, इतने सारे डिफरेंट एपिसोड्स, लाइफ स्टोरीज, दैट वाज जस्ट वर्थ वाचिंग. दूसरी चीज मुझको, बाय द वे, जस्ट वांट टू से दैट मैंने एक पूरी रात में देखा है. अच्छा, आई कुडंट बिंज वॉच. मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको ज्यादा एंजॉय करी थी. ओके, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू नाउ. आई कुड नॉट बिंज वॉच. आई कुडंट बिंज वॉच. इट वाज टू हैवी फॉर मी. आई बिंज वॉच्ड एंड आई लाइक्ड इट. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. ओके, फैंटास्टिक. As a viewer, I did not dislike anything about Chudails. I liked it from the start to the finish. And so, Simla, what do you think? Yaar, mujhe maine movie bahut enjoy ki thi, lekin 3 points main inko hit karna chahungi yahan pe. Aur it's tino jo hai storytelling ke baad ke around hai, plot setting mein hai. Mujhe, if you guys remember, ek character hota hai usme Sheila. ठीक है. वो शीला एकदम से टुवर्ड्स लास्ट फ्यू एपिसोड्स में आ जाता है, 4-5 आखिरी की जो एपिसोड्स हैं, और सबका सब जो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जितनी भी वो जहां से वो एक रिंग का हिस्सा बन जाती है, फिर उसके बाद जनाबेली कोई गायब हो जाती है, फिर उसके कोई टोटे वोटर एंड पे मिलते हैं, तो मुझे लगा कि वो वहां पे कुछ डिस्कनेक्ट था. उसकी शीला के करेक्टर को ना उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया, और वो जो स्टोरी, वो कैसे सब कुछ होता है, वो वहां पे मैं लॉस्ट होती हूँ, भाई ये हुआ कैसे. सो दैट आई थॉट वहां पे थोड़ा सा गैप है. दैट्स वन. सेकंड जो चीज मुझे थोड़ी सी जहां पे मैं लॉस्ट फील किया था, वो इफ यू रिमेम्बर अदनान मलिक, वो जूस कंपनी का जो मालिक होता है, ठीक है, के जी, हाँ, और उसकी जो वाइफ होती है के, राइट. मुझे उन दोनों मिया बीवी के डायनामिक्स कुछ समझ नहीं आए. आई अगेन आई फील लॉस्ट. मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी भी चाहिए थी कि वो के
क्या वो सिर्फ उसके चमक धमक की वजह से, लक्ष्मी की वजह से अपने मियाँ को वो कवर करी होती है, या फिर एक सिकनेस का एलिमेंट उसमें भी है कि इट्स ओके फॉर हर टू ईट आइसक्रीम फ्रॉम द सेम फ्रीजर जहां पे वो उस औरत की हड्डियां पड़ी हुई है, यू नो, टू मी क्रीपी. हाँ एग्जैक्टली. तो वो उन्होंने बड़ा ऐसे नॉर्मलाइज करके दिखाया, टू मी दैट इज काइंड ऑफ अ साइकोटिक. तो आइदर शी वॉज सिक, आइदर शी वॉज साइकोटिक, यहाँ पे मैंने लॉस्ट थोड़ा सा फील किया. व्हाट डू यू गाइस थिंक? वेल आई थिंक मुझे ऐसे महसूस नहीं हुआ. अच्छा. मुझे लगा कि नहीं, शी इज नॉट साइकोटिक, शी इज जस्ट समवन हु इज सो मच इनटू द एलीट लाइफस्टाइल, रिच लाइफस्टाइल, एंड फॉर दैट शी इज विलिंग टू पे अ प्राइस इवन इफ इट मींस पुटिंग अ डेड बॉडी इन योर रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर व्हाटएवर. कि आप इतने, आपको लाइफस्टाइल इतनी बुरी तरह से चाहिए कि इट्स ओके. लेकिन साथ ही साथ वो इतनी ज्यादा थोड़ी सी सिंपैथेटिक भी थी इस बात से, उसको तकलीफ भी थी कि वो अपने मियाँ को जब ऑर्डर करती जाके मेरे लिए फलानी ऑरेंज लॉबी लेकर आओ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो उस चीज को, उस वहां पे उसको तकलीफ भी थी, सपोर्ट भी कर रही थी बट साथ साथ उसको सपोर्ट करते हुए तकलीफ भी हो रही थी. हाँ, यही तकलीफ मुझे समझ नहीं आई है कि इतनी तकलीफ है कि सेम फ्रीजर की आप आइसक्रीम उसी से खा रहे हो. एंड आई कैन नॉट डू दैट. आई मीन, एक नॉर्मल बंदा जितना मर्जी लग्जरी का आदि हो कैसे कर सकता है? तो वहां पे मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा दोनों मियां बीवी के डायनामिक्स में मैंने लॉस्ट फील किया. Okay. और तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा वो जो चाचा जी हैं जो ब्यूरोक्रेटिक हैं और थोड़े से इन्फ्लुएंशियल किस्म के आदमी हैं, तो वो दिखाते हैं ना जब आपकी क्लिप्स पीछे से कि वो बेसिकली यूके में एक प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं वहां पे, फिर ऑल ऑफ अ सडन दिखाते हैं कि वो यहाँ पे एक इतने इन्फ्लुएंशियल बनते हैं जो बेसिकली ही कैन डिक्टेट कि कौन क्या करेगा, कैसे कर सकता है अपनी भतीजी की शादी उस कल्ले के साथ. सो उनका काफी रोल, काफी पावर टेका दिखाया है. तो एक ऐसा बंदर जिसके पास इतना पैसा है, वो वहां पे क्या करने गया था और वहां प्राइमरी स्कूल का दौर पे की जॉब क्या करने गया था, मुझे समझ नहीं आई. वो कुछ रिलेशनशिप में थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रही थी उसमें. चलें, आई वुड शेड सम लाइट ऑन दैट, क्योंकि मुझे जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे ये समझ में आई कि ही वाज क्रिएटिंग अ कल्ट ट्रैफिकिंग सोसाइटी. तो वो जाहिर है ही इज नॉट गोना लिव देयर फॉरएवर, तो इसलिए वो वहां रिक्रूटमेंट के लिए जाता था क्योंकि वहां पे रिच इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लड़के पढ़ने आते थे. उसको उन्होंने वहां पे जाकर उनका टीचर बना, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनका दिमाग इस तरफ रागब किया, और आई थिंक दैट द लेगेसी कुड कंटिन्यू. आई थिंक, हाँ नहीं फायजा, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि ये चीज आपने मेरे लिए क्लियर की है, मूवी ने क्लियर नहीं किया. I guess dislike भी होता है, like भी होता है. It's kind of like not 100% dislike. जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे चीजों को exaggerate किया इसके अंदर, I like that also because मुझे लगता है कि जब आप इतना ज्यादा किसी चीज को exaggerate कर जाते हैं तो sometimes वो stick कर जाता है लोगों के दिमाग में. You know, so basically, जैसे for example, वो जो उन्होंने सारा वो सीन था उनके कल्ट का जहाँ पे वो लड़कियां जाती हैं और लड़कियों की नुमाइश होती है, खरीदो फरोख्त होती है, मास्क पहने हुए हैं, सब कुछ पहने हुए हैं, दैट वॉज अ वेरी ड्रामेटिक एंड एग्जैजरेटेड ड्रामेटिक सीन फॉर मी, राइट? सो आई लाइक्ड इट बिकॉज वो इतना ज्यादा स्टिक किया, आपको क्या भूल नहीं सकते उसको. सर्टन डिसलाइक फॉर इट, पर मेरे लिए जो डिसलाइक तो नहीं बट क्रिंज वर्दी सीन था ना, मेरे लिए वो नहारी वाला सीन था. That was very controversial. I mean, I know that this is rooted in a true story, but somehow just seeing that in that episode, it was just like a no-no. It was just too much. It gets gruesome in some scenes, and it's difficult to digest those scenes. Talking right? about cringiness, मुझे एकदम से ख्याल आया, एंड यू नो जो सीन जिसे मैंने क्रिंज किया था वो जो जब चुड़ैले एक आदमी के नाखून उतार दिए, एंड वहां पे मैंने कहा ओके, आई डोंट नो इफ आई वांट टू सी इट, यू नो. सो वहां पे मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, यू नो, दैट आई डू नॉट लाइक. अच्छा, मेरे लिए जो क्रिंज वर्दी था पूरे ड्रामे में वो था द इम्पैक्ट दैट इमान सुलेमान्स कैरेक्टर क्रिएटेड. दैट सीन वेयर शी सेज मैं अपनी बेटी को अच्छी बेटी बनाऊंगी, that was scary for me and it was giving me goosebumps throughout. And then in the very final scene when the narrative of the nazm changes to the boys, main acha beta banaungi, and then that door closing, man, that was disturbing, cringe worthy, a lot for me. Mujhe apni beti ko achhi bachi banaungi, chup rehna sikhaungi, like dabna sikhaungi, like wo jo pura uska ek bahut ek bade ek single tone mein jo wo bol rahi thi wo bahut scary tha, uska bahut impact tha. It was very very cringe worthy, I would say.
वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी सराउंडिंग चुड़ैल्स वॉज के Z5 जो कि एक इंडियन कंपनी है उसने पाकिस्तानी कॉन्टेंट को प्रोड्यूस किया है. एक तो जिस चीज में हम इंडिया और पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं हमारा पेट्रियोटिज्म बर्बाद हो जाता है, हमारा नेशनलिज्म बर्बाद हो जाता है, हम कहीं के भी नहीं रहते हैं. कोई ये बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि Z5 ने आसिम अब्बासी को 100% क्रिएटिव ऑटोनॉमी दी है टू डू एंड क्रिएट व्हाटएवर वे ही वांटेड टू मेक चुड़ैल्स. वाओ, आई डिड नॉट नो दैट. इट इज सच अ बिग प्लस. हमारे यहाँ तो सेंसरशिप ही सब कुछ मार देती है, ये बात कोई रियलाइज नहीं करता. दूसरी बात यह कि जब आपका इतना हाई क्वालिटी का कॉन्टेंट प्रोड्यूस हुआ है उसके बाद Z5 took it to the next level by exhibiting it in 192 countries worldwide. Imagine the kind of reach you're getting. आपको इंडिया में सरबत गिलानी कौन है, पीपल नो इट. ओके, एंड द अदर थिंग इज के दूसरी बात जो लोगों को ये समझ में नहीं आ रही वो ये है कि जब कोई कंपनी आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करती है तो उसके कितने मैक्रो लेवल पे बेनिफिट्स होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, आपकी आपका कंटेंट पसंद किया जाएगा, आपके कंटेंट की डिमांड बढ़ेगी, बिजनेस आएगा. ये चीजों पे प्लीज फोकस करें. आज आपके कंटेंट को देख के Z5 ने आपको अप्रोच किया है, कल इसी एक्सपोजर की वजह से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और बहुत से दीगर इंटरनेशनल पोर्टल्स आपको रीच आउट करेंगे, आप में इंटरेस्ट शो करेंगे. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट Z5 एक्चुअली ओपन्ड डोरवेज फॉर पाकिस्तानी कंटेंट टू रीच इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड एग्जिबिट देयर ब्यूटीफुल टैलेंट. एंड आई एज एन ऑडियंस फील इमेंसली प्राउड ऑफ इट. व्हाट वुड यू लाइक टू से नेक्स्ट? यार कॉन्ट्रोवर्सीज की जहां पे बात आती है ना मुझे तो खैर हंसी आती है, लेकिन चलो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस. One of the controversies I came across is मैंने जब जनरल देखा, actually title पहले देखा तो मैं थोड़ा सा I was just pushed back. Women, Chudails and feminism in Islam. मैंने कहा what is this? Chudails in Islam, women in Islam. So basically वो जो शो था वो ये बता रहा था कि you know वो उसने एक औरत को चुड़ैल से associate किया एक moral lens के साथ, एक बहुत ही सब्जेक्टिव लेंस के साथ उसको जज करना शुरू कर दिया. यू नो विच टू मी इज लाइक यार एक डकैत है, एक आदमी है, उस पर जब आप मूवी बनाते हो, उस पर जब आप कोई शो क्रिएट करते हो, वो औरत उठाता है, वो शराबे पीता है, वो गाली गलोच करता है, दैट्स द शो, दैट्स द मूवी यू आर एंजॉयिंग, राइट? आप ये भी एक ऐसे मैंने एक फिक्शन बना दिया है, आप उसको एंजॉय करो. इसमें क्या आपने ये एक मूवमेंट बना दिया, ये फेमिनिज्म की कोई मूवमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, कोई मेरा जैसे मेरी मर्जी शुरू नहीं हो गया, ये कोई कोई इस्लाम के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं यहाँ स्टार्ट हो गई है. इट्स जस्ट अ मूवी, एंजॉय इट. अगर नहीं पसंद आती है तो जस्ट से यू डोंट लाइक इट, डोंट से कि हाँ जी हमारी औरतें खराब हो रही हैं, एक औरत है. अच्छा इसमें बड़ी मजे की बात है कि औरत क्या है और चुड़ैल ने औरत को क्या बना दिया. एक औरत है जो एक बच्चे का जन्म देती है, उसके बाद उस बच्चे की तरबियत करती है, ऑफकोर्स करती है, उसके बाद एक सोसाइटी को शेप करती है, ऑफकोर्स करती है. बट दिस इज नॉट अबाउट दैट. सो ट्रू. दिस इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट अबाउट दैट. एंजॉय द मूवी. एग्जैक्टली. तो बेसिकली आप सॉरी इट्स अ शो. शो मैं सो रहा हूं, एक रात में मूवी देखेंगे यार. मेरे लिए एक रात में देखना बहुत मुश्किल था. नहीं मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके इसको ज्यादा एंजॉय किया है. आई कुडंट बिंज वॉच इट आइदर. सो एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू ऐड टू इट? नहीं यार बस मैं तो बस यही कहूंगी कि जस्ट प्लीज मूवी की तरह देखो. एग्जैक्टली. एंड अनदर क्रिटिसिज्म दैट एंड कंट्रोवर्सी दैट सराउंडेड चुड़ैल्स वाज कि जी इसमें बहुत ज्यादा एक विजिलांटे फेमिनिज्म शो किया गया है, जिसकी रूह से अगर एक औरत के ऊपर जुल्म होता है और वो अपनी आवाज उठाती है और आवाज और इंसाफ के लिए वो कानून का को अपने हाथ में ले लेती है एंड शी डज रॉन्ग थिंग्स जो कि चुड़ैल्स में दिखाया गया है, तो वो जी बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए. औरतों को ये औरतें क्या गुंडागर्दी पे उतर आई हैं और हमारा पूरा मॉरल कंपस का बेड़ा गर्क हो गया है, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है. तो आई वॉज लाइक Are you serious? Like, that's not how I conceived or perceived Chudails. मैंने तो उसको as a fiction देखा है और बहुत enjoy किया. दुनिया मलिया mate हो गई है Chudails. Like the prime objective of any entertainment is transportation to that world and just enjoy it. So that was the main two controversies surrounding Chudails. मेरे लिए तो कंट्रोवर्सी जो आपने बोली है, you know, Faiza, I agree with it कि इंडिया के कंटेंट की वजह से इतना ज़्यादा वो हो रहा है और फिर बाकी जो औरतों को खराब कर रही है वाला इशू है, यू नो दैट इज अनदर इशू. लेकिन मेरे लिए इस शो के अंदर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एज अ शो, द ड्रामा, द एक्टिंग, एवरीथिंग. लेकिन उसके साथ साथ इस शो ने जो है ना
हमारे जो मुल्क के अंदर सोशल इश्यूज है ना उनको भी उभारा है. ये नहीं कि थोड़ी सी बात की उसके ऊपर, उन्होंने उनको एक्चुअली अच्छा खासा एग्जैजरेट करके आगे सामने लेके आए हैं. एंड मैंने वही बात कहूंगी कि जब आप किसी चीज को इतना ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं ना तो सम हाउ फिर वो स्टिक भी कर जाती है थोड़ा बहुत. तो मेरी होप ये है कि भी वो ये चीजें स्टिक करें. मैंने इसमें इतने सारे इश्यूज निकाले जो सोशल इश्यूज पे इन्होंने टच अपऑन किया है इस ड्रामे में. बहुत सारे मैंने ढूंढे हैं, मे बी मैंने कुछ मिस कर दी हो, कुछ आप लोगों को लगे हों, लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि मेरे लिए इश्यूज जो थे, डोमेस्टिक वायलेंस वॉज अ बिग इश्यू, इनसेस्ट, सेक्स, चाइल्ड मैरिज, वर्क प्लेस हरासमेंट, चॉइस ऑफ करियर फॉर वुमन अबाउट हर बींग अ बॉक्सर और नॉट बींग अ बॉक्सर, जबरदस्ती की शादी, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर राइट्स, इनफिडेलिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट वॉज अ ह्यूज थिंग इन दिस, फोर्स्ड अबॉर्शंस आफ्टर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, देन ऑब्सेशन विद फेयरनेस, हमारी सोसाइटी में गोरेपन की गोरा ऑब्सेशन, क्लासिज्म, इसमें इतना क्लासिज्म हाईलाइट तरीके से बताया गया ना आपको. हाँ. और सोसाइटी की क्लासेस का डिफरेंस, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, वो जो कल्ला होता है और उसका जो आपस में वो उसमें डायलॉग होते हैं, ओह माय गॉड, दैट वाज सो इंपैक्टफुल, वो एक रेसिज्म भी उन्होंने उसमें ऐड कर दिया. एग्जैक्टली. पुलिस करप्शन, उसके ऊपर इतनी बात की गई है इसके अंदर. इन्फ्लुएंस और पावर की बात की गई है. और जो सबसे बड़ी चीज इसमें, मैंने नाम चुड़ैल था शो का, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज में ये निकली है कि सोसाइटी के अंदर जो पावर है ना वो मर्द के पास ही है, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली पावरफुल रिच मैन. एंड दूसरी चीज ये है कि वो जो पावरफुल रिच मैन है ना, दे विल डू एनीथिंग टू कीप देयर पावर एंड कीप द स्टेटस कोट दैट दे हैव. That's right. This was a huge lesson that came out of this show for me. Right. So guys, if we just wrap up our analysis and review of Chudails, what do you think, what would be your rating and how would you just summarize it, Subla? Yeah, summary, I think, I would say that Sajjal was talking about it. I would revert to Sajjal. And then, मैं बार बार इसी बात को कहती हूँ कि कोई भी शो है, कोई भी मूवी है, उसको मुझे बस इंजॉय करना है. मुझे कुछ उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं देखनी है. तो मेरे लिए, मैं कॉन्ट्रोवर्सीज को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करना चाहती हूँ. ये बेसिकली एक शो बनाया जा रहा है किसी शो का. सो जस्ट डोंट डू दैट, जस्ट एंजॉय द शो, दैट्स इट. राइट. एंड माय क्लोजिंग स्टेटमेंट वुड बी, अ ब्रिलियंट वेब सीरीज, मेक्स मी वेरी प्राउड, आई लव्ड इट. Enjoy it, guys. And my message to those friends who haven't seen Chudails as yet, please go and watch it. And thank you so much for watching us and supporting us. Please subscribe to our channel, The Catalyst, and give us your feedback and comments. And we look forward to seeing them. Thank you so much. Thank you. Thank you.